हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये मेरा मायके वाला ही वीडियो है। तो हम लोग गए थे घूमने, रास्ते में गाड़ियाँ रुकी थी तो बस वहीं का मैंने थोड़ा सा बनाया। ये मेरी हैं बड़ी भाभी, तो भतीजा सो गया था तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए वो गाड़ी चेंज कर रही थी। और ये जा रही हैं, जो ये मेरी बड़ी भाभी हैं। दो गाड़ियाँ थी हम लोगों की, तो बस वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रही थी तो गाड़ी रुकी थी, तो बस मैंने वहीं पर थोड़ा सा वीडियो बनाया था। और इतनी गर्मी थी, कुछ कहने को नहीं, इसलिए मैंने मायके से कोई भी ब्लॉग नहीं डाले। दो एक दो ब्लॉग डाले थे बस, और उसके बाद ना गर्मी करके मन नहीं हुआ कि मैं मायके से कोई भी ब्लॉगिंग करूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ियाँ रुकी थी और अभी हम थे राजस्थान में, तो यहाँ पर। और ये था रात का, हम लोग खाने के लिए रुके थे तो बस वही हम लोग खाना देख मेनू कार्ड देख रहे थे कि क्या खाने में ऑर्डर करें। और यहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे मेहंदीपुर बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी तो मतलब मैं दूसरी बार जा रही थी और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मतलब इतनी जल्दी, जिस चीज़ को मैंने सपने में भी नहीं सोचा और वहाँ घूमने जाऊँगी, तो वो जगह थी खाटू श्याम। तो हम पहले सीधे खाटू श्याम गए थे और लौटते में मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ रात का टाइम था तो हम लोग खा रहे थे खाना। और ये हमारी पूरी फैमिली है, मतलब लेडीज़ वाली मायके साइड से। तो इसमें मेरी ये जो बैठी हैं, एक साइड मेरी मम्मी मासी, और ये दूसरी साइड जो ब्लैक कलर का ब्लाउज़ पहनकर बैठे हैं तो ये मेरी बुआ हैं। और उनके बगल में जो गोद में छोटा सा भतीजा लेकर बैठी हैं वो मेरी बड़ी भाभी है। और ये जो मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा वाला भाई है। अब मुझसे सब छोटे हैं लेकिन हाँ, ये मेरा बड़ा भाई है। और उसके बगल में बैठी हैं ब्लू कलर के सूट में, वो मेरी छोटी भाभी है। और उनके बगल में बैठी हूँ मैं, और येलो कलर के सूट पहनकर जो बैठी हैं वो है आयांसी फैमिली ब्लॉग, और वो मेरी सिस्टर है, छोटी बहन। तो ये मेरी मासी हैं जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनकर बैठी थी। तो बस, और अभी था सुबह का टाइम तो हम लोग नहा धोकर आ गए थे। सुबह 5 का टाइम हो रहा होगा तो हम लोग दर्शन करने जा रहे थे खाटू श्याम के। तो जो ये मेरे पीछे पीछे चल रही हैं, तो ये है मेरी छोटी वाली भाभी। हम फुल फैमिली थे लेकिन बस दो लोग नहीं थे मायके साइड से, तो वो थे मेरे पापा और मेरा छोटा भाई। क्योंकि वो छुट्टी आया था जब मैं गई थी तो उसके 2-4 दिन पहले ही छुट्टी आया था और उसकी छुट्टी हो गई थी, तो फिर वो चला गया था 11 तारीख को। और ये बालाजी और खाटू श्याम जाने का हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना था। तो ये मेरा बड़ा भाई था जो हम लोगों को लेकर गया था घुमाने। सच बताऊँ, ये देखो, ये है आयांसी फैमिली ब्लॉग मेरी सिस्टर ये जो चल रही है, तो ये आयांसी फैमिली ब्लॉग मेरी सिस्टर है और ये साथ में आयांसी चल रही है, ये आयांसी है। तो और पीछे मेरी भाभी हैं और सभी लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। मेरा बेटा है, भतीजा है, छोटा नटखट भतीजा, सबसे छोटा है और बहुत ज़्यादा नटखट है। और इनके पीछे बुआ जी, बड़ा भाई भी चल रहा है पीछे। तो सभी लोग पीछे आ रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं आगे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब अभी मैंने मतलब खाटू श्याम जो मैंने इसी बार इसी साल पहली बार नाम सुना था। और उनके हमारे यहाँ जो एक मंदिर है शिवरात्रि पर जब मैं गई थी तो वहाँ पर खाटू श्याम की मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो मैंने पहली बार खाटू श्याम का मतलब वहाँ वो दर्शन किए थे। और मैंने कब मतलब मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं साल में ही खाटू श्याम होकर आऊँगी। तो
पता नहीं, मैं इस बात को लेके बड़ा खुश भी थी और अंदर से मतलब कि जिस चीज़ के लिए जहाँ जाने के लिए सोचो वहाँ नहीं पहुँचते, और जिस चीज़ को मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम खाटू श्याम जाएंगे, तो बस हम खाटू श्याम के दर्शन करने पहुँच गए। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ वगैरह थी तो काफ़ी, लेकिन ना रेलिंग इतनी लगी हुई थी, इतनी लगी हुई थी जिससे क्या भीड़ बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रही थी। बहुत 1-1.5 किलोमीटर के अंदर रेलिंग लगाई थी, तो जिससे क्या है भीड़ थी जो वो बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ रही थी, लेकिन भीड़ तो थी। और खाटू श्याम के दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हुए, और इसी लाइन में हम लोग सभी चल रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हो, रेलिंग खाली खाली लग रही है, लेकिन काफ़ी रेलिंग है और काफ़ी लंबी रेलिंग है, इसलिए ये खाली खाली लग रही है। तो ये मेरी भाभी चल रही है छोटी, और उसके पीछे मेरा बेटा है, सभी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये देखिए, और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। होता है ना, जब किसी चीज़ को अगर सपने में भी ना सोचो और वो चीज़ हमें अचानक वहाँ जाने को मिले या वो चीज़ हमें मिल जाए, तो कितनी खुशी होती है, कुछ कहने को नहीं। तो सेम चीज़ है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था, कभी क्या, मैंने नाम भी इसी साल सुना था खाटू श्याम, जो राजस्थान के सीकर ज़िले में है। पहली बार भी मैंने मतलब इसी साल मैंने नाम सुना था। तो बस ये दर्शन कर कर हम लोग आ गए थे, और बहुत जल्दी दर्शन करके आ गए थे क्योंकि सुबह जल्दी ही चले गए थे। तो ये धर्मशाला थी जहाँ हम लोग रुके हुए थे, और ये धर्मशाला भी काफ़ी सुंदर और बहुत शांत थी, इतनी सुंदर थी, मतलब इतनी शांति थी, इतना एक अच्छी मतलब आती है ना एक शांति वाली फीलिंग आती है जो उस टाइप की आ रही थी। और ये मेरी फैमिली बैठी हुई थी पूरी इधर, तो बस वही थोड़ा सा। और यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर भी था, बहुत अच्छा, और काफ़ी अच्छे धर्मशाला लग रही थी। तो ये हम लोगों के ही कपड़े पड़े हैं, धुलकर डाल दिए थे सुखाने के लिए। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, और इस करके ना हम लोगों की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। राजस्थान में भी काफ़ी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। ये मेरे छोटे और बड़े दोनों भतीजे हैं, और छोटा वाला इतना नटखट है, इतना शैतान है, इतना नटखट है, कुछ कहने को नहीं। तो पूरे में ये ही दौड़ लगा रहा था। तो ये देखिए, ये ना यहीं पर ना इसको जो कुछ भी मिल रहा था तो लगा हुआ था खेलने में, और बहुत ज़्यादा शैतान है ये। ये है मेरा छोटा भतीजा, इसी को देखने गई थी मैं। मतलब बड़े छोटे वाले भाई की शादी कर कर मैं आई, और मेरा भतीजा इतना बड़ा हो गया, तब मैं दोबारा लौट कर घर गई अपने मायके। तो ये देखिए, हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी ना इतनी, और धूप थी बहुत तेज़। तो ये है भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला जो एशिया का सबसे मोस्ट मतलब डरावनी जगह है, जो है भानगढ़ का किला। यहाँ हम आए थे घूमने के लिए, तो इतने थक गए थे कि अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था, तो लेकिन हम लोग अंदर गए थे और पूरा अंदर तक का किला देखकर आए थे। तो ये लोग कुछ यहीं के लोकल लोग थे जो बकरी वगैरह चराने के लिए बैठे थे यहाँ पर, और अंदर काफ़ी अच्छा था, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भूतों का डेरा है ये किला, बहुत डरावना है। पर दिन में तो बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर लग रहा था, पर 6 बजे के बाद यहाँ एंट्री